स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का बाला मैं प्रतिषेध अध्याय वह पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ ताकि ये बिना कोई बाधा के ये शुरू हो सके। चलिए, इसमें जो ये श्लोक दिख रहा है हनुमूल गतो, ये संथा देके पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा, आरती मैम या अश्विनी मैडम, आप पढ़ेंगी? यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, पढ़िए आप। हनुमूलगतां वायुर् दंत देशास्ति गोचरः बोलिए सब, यदा रुकिए रुकिए मैम, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। बोलिए सब लोग। यदा शिशो प्रकृतो न उत्तिष्ठति तदा द्विजा। पहले वाला मैम के पीछे पीछे बोलना है सर। हनुमूल गतो वायु दंत देशा स्थिर गोचरा। हाँ पढ़िए मैम। यदा तो हो प्रकोपी प्रकोपितो न उत्तिष्ठन्ति तदा द्विजाः। यदा शिशो प्रकोपितो न उत्तिष्ठन्ति तदा द्विजा। तदा द्विजः रुक्षाशिनो वाति कस्य शालयत्यनिलः क्षिराः। हन्वाश्रयाः प्रसुप्तस्य दन्तैः शब्दं करोत्यतः। जब मूल में स्थित वायु प्रकोपित होकर दांत के स्थान की अस्थि में आ जाता है तब बच्चे के दांत उत्पन्न नहीं होते। रुक्ष भोजन करने वाले वात प्रकृति बच्चे को शिराओं को हनु में आश्रित वायु चलाती है, इसलिए बच्चा सोते हुए दांत कटकटाता है, दांतों से शब्द होता है। जी, तो यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं कि हनुमूल में स्थित वायु जो है प्रकुपित होकर अस्थि दांत के स्थान पे अस्थि में आ जाता है और बच्चे के दांत उत्पन्न नहीं होते हैं। और जो लोग माताएं जो रुक्ष भोजन करते हैं या फिर वो बच्चे में वात का प्रकोप हो रहा है और वात प्रकृति बच्चों की सराव में हनु में आश्रित वायु चलाती है, इसलिए बच्चा सोते हुए दांत कटकटाता है, दांतों से शब्द होता है। ये चीजें इन्होंने यहाँ पे उल्लेखित की है। इसका टीका पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक श्लोक रह गया था कल, 61 नंबर का श्लोक रह गया था। एक मिनट, मैं इसका ही पहले श्लोक लाता हूं फिर इसका अर्थ भी। यहाँ पे ये खजूर अर्जुन ताली से कुष्ट चंदन जे रसे तशिरम सहतम सर्पी वमथुन विनी अच्छति। इसका मतलब यहाँ पे दिया है कि
खैर, अर्जुन 40 फुट और चंदन इनके क्वाथ में दूध के साथ सिद्ध किया घृत जो है वो वमन को बंद करता है। इसी की टीका देखते हैं, तो इसमें बोले खदीर रसे शशीर सर्पी पक्व मुक्तम वमी शमयति। मतलब खदीर है, अर्जुन है, 40 है, कुष्ठ है, चंदन, इनका रस निकालना है, स्वरस निकाल के दूध में साधित करके फिर शीरपाक से फिर घी सिद्ध करना है, तो ये उल्टी को रोक देता है। सारे कषाय रसात्मक द्रव्य है और वमन छर्दिक द्रव्य है। अब इसके बाद में ये टीका पढ़ दीजिए मैम, अश्विनी मैडम। यस्तु यस बालो यस दंते सर। यस्तु बालो दंतै सह जायते यस्य वा दंता प्रथमम। एक मिनट सर, वो बड़ा कर प्रथमम उपपरिष्टाद। वंती तस्मिन् तथा विधे उत्पाते सति शांत कुर्या शांति कुर्या तच बाल ब्राह्मणाय सदक्षिणा सुसुवर्ण ससुवर्णादिक दद्यात् नैगमेश च पूजयेत। इसमें बोल रहे हैं कि जो बच्चे दांत के साथ उत्पन्न होते हैं या फिर उनका दांत पहले आके उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसमें उसके उत्पत्ति के टाइम पे शांति वगैरह करना चाहिए, और वो बच्चे को ब्राह्मणा दक्षिण मतलब ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह देना है। नैगमेश नाम का जो ग्रह है उसकी भी पूजा करनी है, लेकिन जो हमने पढ़ा उसका नहीं टीका दिया है, आगे के श्लोक का टीका दिया है। हाँ, ये वाला 62 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आरती मैडम या वीना मैम पढ़िए। सदंत जाति या बिल्कुल दुष्ट बिल्कुल, दंत जी तो झाला आता अभी हो गई है ना हो। नहीं, ये सदंतो जायते यस्तु दंतः प्रागस्य चोत्तरः कुर्वी तस्मिन् उत्पाते शांतिकं च द्विजा द्विजातये दद्यात् सदक्षिणं बालं नैगमेशं च पूजये। जो बच्चा दांतों के साथ उत्पन्न होता है और जिसके होता है और जिसके पहले के दांत आते हैं उसे उत्पात सूचक और शकुन में शांति पाठ और बच्चे को दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देवे और ऊपर के दांत आते हैं उस उत्पात सूचक अशकुन में शांति पाठ कराए और उस बच्चे को दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देवे और नैगमेश ग्रह की पूजा करे। जी आप लोग को मालूम होगा कि जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, तो तुलसीदास जी का 32 दांत उत्पन्न थे जब वो जन्म लिए थे, और जैसे ही वो जन्म लिए उनकी माता और पिता दोनों का देहांत हो गया, तो उनको अपशकुन माना गया और मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, तो उनको बोला गया कि बच्चा आते आते ही अपने मम्मी पापा को लेके गया, और फिर उनको किसी चाचा ने किया, उनकी भी डेथ हो गई, तो जिसकी घर भी जाते थे वहां डेथ हो जाती थी। तो ये उत्पाद सूचक अशकुन में उत्पन्न होते हैं बच्चे जिनको दांत उत्पन्न होते हैं, एक तरह से विकृति है, तो इसलिए वहां पे पूजा पाठ दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देना है, नैगमेश ग्रह की पूजा करनी है, ऐसा बताया गया। इसके बाद का जो श्लोक है 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी क्या? तालु कंटक के लक्षण और चिकित्सा, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सविता पेठे मैम आप पढ़िए। हाँ, प्रणाम सर। पढ़ वाली तालु कंटक के लक्षण और चिकित्सा। तालु मांसे कफक्रुद्ध तालु मांसे बोलिए सब लोग। कफक्रुद्ध कुरुते कुरुते तालु कंटकम कुरुते तालु कंटकम तेन तालु प्रदेशस्य तेन तालु प्रदेशस्य निम्नतालु निम्नता मूर्ध्नि जायते निम्नता मूर्ध्नि जायते तालुपात प्रदेशस्य सत्सनद्वेष तालुपात कृच्छ्रात्पानं च क्रुद्रवम् सनद्वेषः त्रुडास्य कण्वक्षीर रुजा त्रुडास्य कण्वक्षीर रुजा ग्रीवादुर्धरतावणी ग्रीवा दुर्धरतावनी ग्रीवा ग्रीवादुर्धरतावनी दुर्धरतावनी तत्रोक्षिप्य यवक्षार
तत्रोक्षिप्ये चौद्राभ्याम चौद्राभ्याम प्रतिसारयेत्। प्रतिसारये तालुतद्वत्कणा शुण्ठी गोशकृत गोशकृत्रससैन्धवै गोशकृत्रससैन्धवै शृङ्गबेरनिशाभृङ्ग श्रृङ्गबेरनिशाभृङ्ग कल्कितं वटपल्लवै कल्पितं वटपल्लवे बध्वाघोषकृतालिप्तम् पद्मघोषकृतालिप्तम् कुले स्वेदयेत्ततः कुले तथा रसेन लिम्पेत्ताल्वस्यम् रसेन लिम्पति ताल्वस्यम् नेत्रे च परिषेचयेत् नेत्रे च परिषेचये हरितकीवचाकुष्ठ कुष्ठकीवचाकुष्ठ कल्कमाक्षिकसंयुतम् कल्कमाक्षिकसंयुतम् पीत्वाकुमारस्तन्येन पीत्वाकुमारस्तन्येन मुच्यते तालुकण्टकात् उच्यते अर्थ पढ़ देती हूँ सर। मधुरादि से बड़ा हुआ कफ तालु मांस में तालु कंटक रोग उत्पन्न करता है। इससे सिर में तालु प्रदेश पर लीचापन आ जाता है। तालु का गिरना, स्तन को न पकड़ना, कठिनाई से स्तनपान, मल पतला, प्यास, मुखरोग, कंडू, अक्षी रोग, ग्रीवा को कठिनाई से सीधा रखना और वमन होता है। इसमें तालु को ऊपर उठाकर यवक्षार और मधु से प्रतिसारण मलना करे। इसी प्रकार पिप्पली, सोंठ, गोबर का रस और सैंधव से प्रतिसारण करे। अदरक, हल्दी और भृंगराज के कल्क को बरगद के कोमल पत्तों से बांधकर ऊपर गोबर का लेप करके तूप या उपलों की आग में स्वेदन करे। इसको निचोड़कर इस रस का तालु और मुख पर लेप करें और नेत्रों में डालें। निशाभृंग के स्थान पर निशा कुष्ठ भी पाठ है। हर्रा, वचा, कूट इनके कल्क को मधु के साथ माता के दूध के माता के दूध के अनुपान से पीकर बच्चा तालु कंटक रोग से मुक्त हो जाता है। जी, इसमें बहुत बढ़िया बताया है। ये प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की। इसमें बोल रहे हैं कि अगर कफ बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का कफ का काल है और उसको मीठा चीज दिया जा रहा है, माता का दूध भी मीठा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका शरीर में कफ बढ़ता है और तालु मास में तालु कंटक नाम का रोग करता है। तो जो सिर में जो ये है आगे का फ्रंटल बोन के पीछे थोड़ा सा तालु प्रदेश है, वो नीचे आ जाता है और वो नीचे आने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे तालू का गिरना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सरसों का तेल कॉटन में डाल के और वहां पे लगाते हैं। ये कॉमन आजकल किया जाता है और ये उस जमाने में बहुत ज्यादा ये रहता था बीमारी। तो उसमें तालू का गिरना, स्तन को न पकड़ना, कठिनाई से स्तनपान करना, मल पतला होना, प्यास, क्योंकि उसका इफेक्ट डायरेक्ट ग्रहणी कला पे आता है, प्यास, और उसमें पेन भी बहुत होता है, प्यास, मुखरोग, कंडू, अक्षी रोग, ग्रीवा को कठिनाई से सीधा रखना, नेक होल्डिंग नहीं रहता है, बच्चा ऐसे नेक को होल्ड ही नहीं कर पाता है, बाद में और कॉम्प्लिकेशन होते हैं पूरी लाइफ, वमन भी होता है। इसलिए तालू को ऊपर उठा देना है, हाथ से उठ जाता है वो ऊपर, और फिर यवक्षार और मधु से प्रतिसारण मलना चाहिए, और पिपली, सोंठ और गोबर का रस और सेंधव से प्रतिसारण करना चाहिए। इसी तरह से अदरक, हल्दी, भृंगराज के कल को बरगद के कोमल पत्तों से बांधकर गोबर का लेप करके तुष या उपलों की आग में स्वेदन करना है, मतलब पुटपाक करना है, उसमें निचोड़कर जो रस मिलेगा उसका तालू और मुख पे लेप करना है, क्योंकि अदरक दीपन पाचन करेगा, हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, भृंगराज जो है वह भी बहुत अच्छा से एंटीबायोटिक का काम करता है और दीपन पाचन करता है,
और बरगद के पत्तों जो होते हैं वो कशेरुकात्मक रहते हैं, तो ये तालु को बिठा देते हैं। ये चार चीजें इसमें निचोड़कर इस रस का तालु और मुख पे लिप करना है और नेत्रों में भी डालना है, जिससे आंखें भी अच्छी हो और वहां पर आंखों में इन्फेक्शन वगैरह है वो भी ठीक हो जाए। और निशाभृंग के स्थान पर निशाकुष्ट भी पाठ है। उसी तरह से हरित की वचा कुष्ट इनके कल्प को माता के दूध के अनुपान के साथ देना है, तो तालुकंटक नाम का जो रोग है वो ठीक हो जाता है। ये सब करने से सच में फायदा होता है, यहाँ महाराष्ट्र में किया जाता है ये सब चीजें। प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ, सर पर देख सर्वांग सुंदर टीका। कफो मधुरा देही तालु मासे प्रकुपित तालु कंटक कुरिया तेन तालु कंटकेन शिरसी तालु प्रदेशे निम्नता स्यात् तथा तालुन पतन स्तन द्वेष रुचरेण स्तनपान शकृच्छ द्रव स्यात् तथा त्रुणाद्या स्यु। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कफ का काल रहता है और उसमें मधुर आदि चीजें दे जाती है, तो कफ के प्रकोप से तालु मास जो रहता है वह प्रकोपित हो जाता है और तालु कंटक नाम का व्याधि कर देता है। तेन तालु कंटकेन, उस तालु कंटक में सिर का जो ताल प्रदेश है वह भी निम्न हो जाता है। तालु कंटक जो होता है वो मुंह में जो सॉफ्ट पैलेट जो रहता है, हार्ड पैलेट, वहां पर तालु कंटक इन्फेक्शन करता है और उसका इफेक्ट ब्रेन सिर पे भी जो तालु प्रदेश है उसमें भी होता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो वह तालु पतन हो जाता है तो स्तन द्वेष होता है। कृचिन स्तनपान, कठिनाई से स्तनपान करता है। शकृच द्रव स्यात् मतलब लूज मोशन होते हैं, और तथा त्रिणाद्या स्यु मतलब उसको प्यास वगैरह बहुत ज्यादा लगता है। 65 नंबर की टीका पढ़िए। तत्र तालु उत्क्षिप्य यवक्षार शौद्राभ्या प्रतिसारये तथैव कणादि भी प्रतिसारये। तो इसमें क्या करना है कि तालु के ऊपर यवक्षार और शौद्र मतलब शहद इसके साथ प्रतिसारण करना है। उसी तरह से कण कणा मतलब पिपली पिपली आदि भी लेके प्रतिसारण करना है। इसके बाद का श्लोक पढ़िए 66 के आगे का। सिक्सटी सेवन के नीचे का तथा शुंठ्याधिक कल्कित पल्लवेर पल्लवैर बद्वा गोशकृता लिप्त तत कुकुले स्वेदये अनंतर रसेन च तत श्रुतेन तालुआस्य च लिम्पे तथा नेत्रे परिषेचये। हाँ, मतलब शुंठ्यादि कल्क लेना है और वट पल्लव मतलब बरगद का जो पत्ता है उसमें बांधकर गोबर का लेप लगा के और उसको स्वेदन देना है। पुटपाक विधि से जब किया तो उसका जो रस रहेगा उसको लेके तालु में लिम्पित मतलब तालु पे डालना है, और चेहरे आस से मतलब मुख पे फेस पे डालना है, और नेत्र को भी परिसेचन करना है। इसके बाद में 68 नंबर का टीका पढ़िए। हरितक्यादिक माक्षिक युक्त स्तन्येन शिशु पीत्वा तालुकंटकात् विमुच्यते। हाँ, हरित की आदि को मधु के साथ मिक्स करके माता के दूध के साथ शिशु को पिलाएं, जिससे तालु कंटक आदि जो रोग है वो ठीक हो जाते हैं। एक तरह से पूरा एंटीबायोटिक है और व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हैं। हरित की है, वचा है, कुष्ठ है, उसका कल्प को शहद के साथ देना है और माता का दूध पिलाना है, से ठीक हो जाता है। आगे का जो श्लोक है ये पढ़ना है। सर जी बोलिए मैम। सर ये तालु कंठक में अभी जो इन्होंने बोला है तालु उत्तिष्ठ उत्क्षिप्य ये क्या प्रैक्टिकली क्या है सर, वो क्या कर सकते जो फ्रंटल बोन होता है ना उसके पीछे थोड़ा सा ऊपर ही तालु रहता है ना, वो नीचे झुक जाता है। हमारे उच्च। नॉर्थ इंडिया में तो सरसों का तेल में कॉटन डाल के कॉटन स्वैब डाल के ऊपर सिर पे रखते हैं तो वो मजबूत होता है, तेल डाल डाल के 3-4 महीने करते हैं बच्चे के जन्म लेने के बाद। वंदना मैम आप बताइए इस बारे में। जी आप सही कह रहे हैं, इधर साइड में सरसों का तेल ही यूज करते हैं। हाँ, और मतलब मनीषा तालु मैम। का वो हाँ, देखने के लिए मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है सर? ये गले में जो ये टॉन्सिल सा होता है ये नीचे बिल्कुल जीभ से लग जाता है, और इसको कई जो पुरानी औरतें होती थी हमारे यहाँ जो वृद्ध औरतें हैं वो उंगली डाल के और कुछ नमक वगैरह ये अपचार तेल लगा के उसको ऊपर कर देती हैं ये उस तरह से।
सिर को पकड़ के, गर्दन को सिर को पकड़ लेती है और ऊपर से करती है वो। हाँ तो मुंह का हो गया ना, सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट, मुंह का भी हो गया हाँ और उसका इफेक्ट उसी का है स्किन सर पर। ये, और तालु कंटक का ये मेरे हिसाब से वही चीज है इसमें, तालु कंटक का। और उससे खाना पीना सारा बंद हो जाता है, बच्चे को दूध भी नहीं पिया जाता और रोता ही रोता है वो बहुत ज्यादा। ये तो मुंह का हो गया, लेकिन सिर में भी जो रहता है तालू भरना। सिर का तालू तो कभी हमने उसके अंतर देखा नहीं, उसको जो वो नीचे दब जाता है उस तरह से तालू का। हाँ, तो दोनों का नहीं, वो तो कनेक्शन। खैर जब डिहाइड्रेटेड होता है ना तब तब वो होता है, नीचे हो जाता है, लेकिन जो तालू कंटक यहाँ चल रही है बात, वो गर्दन गले के बराबर अंदर की ही बात है। हाँ, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, अंदर की बात है कि ऊपर का जो है ना वो बहुत नीचा नहीं होता, वो तो जब डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए बच्चे का बहुत ज्यादा बुखार कई दिन हो जाए, महीना डेढ़ महीना उस तरह से, जब उसका थोड़ा सा वो नीचे आ जाता है। वरना तो ये उसी के बारे में जो गले का तालु है हाँ उसी के तालू संबंध कंटक में। जो है वो मुंह वाला ही है जो गले हाँ में उसी सर का बता है। रहे। बराबर। हमारे यहाँ जो लेडी थी नहीं, पुरानी, जो मतलब वृद्ध लेडी थी 70-80 साल की, कई लेडीज करती हैं इस तरह से, वो बच्चों का वो थोड़ा सा शहद ले लेती हैं या तेल ले लेती हैं और लेके दो उंगली अंदर दे के और गर्दन पकड़ के उसको यूं ऊपर कर देती है, वो तुरंत हो जाता है। और ये कई बार तो बड़े आदमी को होता है, मेरी भी उम्र उस समय शायद 25-26 साल की होगी, तो मैं कई दिन तक परेशान रहा था। ये वो वृद्ध औरत थी जो बच्चों को करती थी, उसने आके यूं थोड़ा सा नमक लगाया और तेल लगाया, तेल लगा के और जो गर्दन पकड़ के एकदम ऊपर से झटका दे दिया और वो सही हो गया उसी समय। थोड़ा सा उसमें मवाद वगैरह भी निकली थी उस समय। तो मेरे हिसाब से तालु कंटक वही मुझे तो बच्चों को होता है, अधिकांश छोटे बच्चों को। और आप बताओ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैंने तो यही देखा है इसको। हाँ, ये आपका बात सही है, यही होता है। मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वंदना मैम कुछ बोलना चाहेंगी? ये कफ के प्रकोप से हाँ जी, होता है। हाँ हाँ जी, बोलो। हाँ जी, प्रणाम सर। ये कफ के प्रकोप से ही होता है, और ये जो प्राचीन पद्धति है, गांव में देखी हूँ मैं कि कुछ एक्सपर्ट महिलाएं रहती हैं इसके लिए, उसको बुलाया जाता है, क्षीण होते जा रहा है तो उसको वो हरिद्रा लेके, हल्दी को लेके, और उंगली से साफ करके पर्टिकुलर ऐसी दोनों तरफ मुंह में दबाती। बहुत छोटी थी मैं तब, मैं देखी थी, ये ऐसा करती हैं, और कुछ कुछ ही लोग रहते हैं जो एक्सपर्ट उनको बुला के कराते हैं, और बच्चा फिर ठीक हो जाता है सर। वो हल्दी से ही करती हैं वहां पर तो। और ये जो बताया गया है इतनी सारी औषधियां वेदों के अनुसार, ये तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हरिद्रा ले करके करके, और बच्चा एकदम दूध फिर पीने लगता है माता का। और जो ऊपर का है, सिर का जो तल प्रदेश है ऊपर वाला, वो तो सरसों तेल रखते ही है, लेकिन ये अंदर से ही होता है। जैसे हम लोगों को टॉन्सिलाइटिस होता है, फेरेंजियाइटिस होता है, कुछ स्वेल नहीं कर पाते हैं, वैसे ही बच्चों का सेम उंगली करके दोनों साइड से ऐसे दबाती हैं उंगली से, और थोड़ी देर में बच्चा दूध पीने लगता है, चुप हो जाता है। जी, तो और तालु जो शब्द जो है दो चीज के लिए बोला है, एक सिर के ऊपर वाले को भी तालु बोलते हैं और मुंह के अंदर भी जो पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट, उसको भी तालु बोलते हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ बोलिए। सर, सर और वो जो इसमें बताया गया है कि आंख को परिसेचन करने के लिए यूज कर सकते हैं ये सब ड्रग्स, तो इस आंख बंद करके ऊपर से डाल दें ताकि वहां पे थोड़ा एब्जॉर्ब हो वो चीजें, हल्दी अदरक और ये सब, तो वहां पे आंखें साफ हो जाएं, वहां पे कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। आंखें बंद, अच्छा। आंखें खोल के नहीं डालना है। हाँ सर, ये जो लैक्रिमल डक्ट का ड्रेनेज नहीं होता और वो सब बांधता है वाइट वाइट ड्रॉप्स डार्कोसिस्टाइटिस जो रहता है, लैक्रिमल ग्लैंड का जो इन्फेक्शन है, वो सब ठीक होता है। इसमें भी। ठीक हाँ है, बच्चों को ये कफ की वजह से ज्यादा होता है, लैक्रिमल ग्लैंड का जो मतलब वो इन्फेक्शन, पोयालस बोलते हैं उसको अपने आयुर्वेद में, मतलब वो डक्ट बंद हो जाते हैं तो आंखों से पानी वगैरह बहुत ज्यादा आता है कफ की वजह से, तो इसीलिए वो लैक्रिमल डक्ट को ओपन रहना चाहिए, इसलिए वो डालने के बोले हैं। सब गंदगी वगैरह सब साफ हो जाता है और जो इन्फेक्शन है वहां पे आप डायकोसिस्टाइटिस वो सब ठीक हो जाता है। बता रहे हो लक्रिमल ग्लैंड वाला, तो हाँ इसमें इसमें भी ये सेम हरित हरित की वचा कुष्ठ, इसको मतलब परिसेचन करना है या कुछ और था? हाँ उसी से करना है, और बरगद के पेड़ पत्तों का लपेट के उसका पुटपाक बना के रस निकालना है और अच्छा, आंखें बंद करके बच्चों को ऊपर से डालना है, तो वहां से जो लैक्रिमल ग्लैंड है ऊपर इन्फेक्शन वह सब ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों में भी, मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बच्चे में भी ये कर सकते हैं?
हाँ उसमें बोला है कफज स्तन्य पीने के वजह से आंखों में ये पोयालस नाम की व्याधि होती है, आंखों की बीमारी है जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड जो रहता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे सूज जाता है, ऐसे घाव टाइप हो जाता है और आंखों से आंसू आते रहता है, वो सब ना हो इसलिए ये सब परिषेचन बोला है, और चेहरे पे भी लगाने को बोला है ये सब चीजें। ये जो है ये प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है सर, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं सर, ये उनमें ज्यादा होती है। जैसे एक बार मदर प्रेग्नेंट है, बेबी कंसीव हुआ, फिर उसके बाद जैसे वो बेबी डिलीवर हुआ, दूसरे तीसरे महीने में मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो सर जब उस समय भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो मदर है वो बच्चे को फीड दे रही है सर, उसके दौरान सर ये बच्चों को ये वाली चीज ज्यादा होती है सर, मैंने काफी बच्चों में ऑब्जर्व किया है। और सर जैसे ये तालू आप कंटक बता रहे, तो सर इसमें एक और बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सिंपल सा है सर, उसपे यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी कॉमन प्रैक्टिस में हम देते हैं, तो उससे सर बच्चों को स्तन्य रोग नहीं होता, और बच्चा जैसे दांत आने में भी सर उसको बहुत इजी रहता है सर। टंकन लेकर उसमें थोड़ा सा शहद और यष्टि मधु मिलाकर सर उसका जो लेप है सर वो उसके गम्स पे कर देते हैं, तो सर उससे बच्चे को वॉमिट्स नहीं लगती और दस्त नहीं लगते सर जब वो उसको टीथिंग होता है, तो सर उसका ऐसे ही जो ये लेप है टंकन और ये मधु मिलाकर सर ये तालू के ऊपर भी किया जाता है, उस पर थोड़ी सी मात्रा में हरिद्रा भी मिलाया जाता है, तो सर इससे क्या रहता है कि बच्चे को फीड लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, और जब वो सॉलिड फूड भी शुरू करता है तो बहुत अच्छा रहता है सर इसपे। जी बहुत अच्छा बताया आपने, आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा हुआ ग्रंथों के हिसाब से। तो अभी हम नया श्लोक नहीं करेंगे, वो कल करेंगे, और 7 बजे एक अच्छा लेक्चर होगा और 9 बजे रात को अच्छा लेक्चर होगा। अभी शशि मैम आप भगवान का प्रेयर करेंगी, वो जो सिया राम वाला जो करती हैं, वैद्य शशि मैम जी सर, जी सर, प्रणाम आप सर। कहाँ पर हैं अभी, रुड़की में है क्या मैम? नहीं सर, मैं रुड़की में नहीं, कहीं और हूँ, मैं नैनीताल में हूँ। अच्छा, वहां तो ठंडी होगा बहुत ज्यादा। नहीं सर, ठंड नहीं है, ह्यूमिडिटी है। एक्चुअली जिम कॉर्बेट में हूँ, तो अच्छा, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर तो वहां तो तो ठीक प्राणी है। हाँ प्राणियों से मुलाकात होगी आज आपको। जी, हाँ जी सर, उसीलिए हाँ आए क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा घुमाना टहलाना था। जी, चलिए वो पवित्र भूमि से आप हमें भगवान का कुछ प्रेयर बता दीजिए। जी सर, जी सर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्व विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेत्तं च परं च धामम्, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सभी लोग।